हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। क्लिक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलीनोमियल बाई डिवाइडिंग सेकेंड पॉलीनोमियल विद द फर्स्ट पॉलीनोमियल। क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि सेकेंड पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलीनोमियल से। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉलीनोमियल ये है, सेकेंड पॉलीनोमियल ये है, तो सेकेंड पॉलीनोमियल को फर्स्ट पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिवाइड करना सिखाई थी। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t टी स्क्वायर माइनस 3। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होंगी, डिवाइज़र में मल्टीप्लाई होंगी। फर्स्ट चीज़ क्या है, 2t की पावर 4, यहाँ है टी स्क्वायर। पहले तो एक टी स्क्वायर की कमी है क्योंकि पावर 4 बनाना है, यहाँ पावर 2 ही है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, तो 2t का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2t स्क्वायर माइनस 3 से। अब 2t स्क्वायर इंटू टी, 2t की पावर 4 माइनस 2 3 6 6t स्क्वायर। पहले जिससे मल्टीप्लाई करें वो ऊपर पुट कर दीजिए। अब आया आंसर 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। अच्छा, माइनस 6t स्क्वायर को प्लस 3t क्यूब के नीचे पुट मत करना क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। चलो नाउ साइन चेंज, माइनस की साइन प्लस साइन, प्लस साइन माइनस साइन, कैंसल। 3t क्यूब सेम एज इट इज़, डाउनवर्ड्स प्लस 6 माइनस 2, कितना 6 में से 2 गया तो प्लस 4t स्क्वायर। प्लस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के साथ पॉजिटिव साइन है और 2 छोटा है उसके साथ नेगेटिव साइन है। 90 को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। अब अपने को बनाना है 3t क्यूब और अपने पास है टी स्क्वायर, 3 की कमी है और एक टी की कमी है, टी स्क्वायर माइनस 3। सो 3t क्यूब मल्टीप्लाई 3 3 9t, सो 3t क्यूब माइनस 90। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3t से, पॉजिटिव 3t से, इसलिए 3t पुट कर दिए। साइन चेंज, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, क्या बचा 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर अपना बचा है, थोड़ी सी इक्वेशन अपनी अधूरी रह गई है, यहाँ माइनस 12 भी है साथ में। सो अब अपना नीचे उतरेगा माइनस 12, ठीक है। तो माइनस प्लस 4t स्क्वायर बनाने के लिए टी स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 की कमी है, 4t स्क्वायर माइनस 3, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर एंड 4 इंटू माइनस 3 12, 4t स्क्वायर माइनस 12, माइनस साइन, माइनस साइन है, प्लस साइन, कैंसल कैंसल, आंसर इज 0। मल्टीप्लाई करे थे 4 से तो पॉजिटिव 4 आ गया अपना, ठीक है। नाउ चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलीनोमियल। अगर आंसर 0 आता है तो लिखेंगे यस फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलीनोमियल। क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेम क्वेश्चन का पार्ट 2, फर्स्ट पॉलीनोमियल सेकेंड पॉलीनोमियल। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना डिवाइड करना। थ्री
3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहला क्या बनाना है टर्म, 3x की पावर 4, एक्स स्क्वायर ही है, 3 नहीं है, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवाइज़र को, 3x स्क्वायर से। ये हो गया 3x की पावर 4, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 ज़ा 9, ये दो पावर है, यहाँ एक पावर है, तीन पावर हो जाएंगी, 3 1 ज़ा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे थे इसलिए 3x स्क्वायर ऊपर लिखाएंगा, और अपना जो आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो पुट करेंगे सारी वैल्यू अपने अपने वेरिएबल्स के नीचे, प्लस 3x स्क्वायर। चलिए पहला काम साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 9 में से प्लस 5 गया तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 7 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 10, हाँ माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन काई की आती है, माइनस की आती है। चलिए नीचे डाउनवर्ड्स उतारिए इसको, अब बनाना है माइनस 4x क्यूब, लेकिन अपने पास तो x स्क्वायर है, पहले तो माइनस 4 नहीं है, सेकंड नंबर पे 3 है, यहाँ 2 है, एक x की कमी है, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवाइज़र को, माइनस 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x। चलिए पुट करेंगे, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, नाउ साइन चेंज, पॉजिटिव साइन कैंसल, प्लस 12 में से 10 गए तो 2x स्क्वायर, 4, 5, 6, 6x, ये 2 उतारेगा नीचे। चलो किससे मल्टीप्लाई करे थे अपन ने, माइनस 4, ये बिल्कुल मत भूलना लिखना। नाउ 2x स्क्वायर बनाना है, अपने पास x स्क्वायर है ऑलरेडी लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र में, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू 1 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, साइन चेंज, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, सिर्फ नीचे वाले की साइन देख के चेंज की जाती है डिवाइड में, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, आंसर इज 0। लेकिन अपन ने थर्ड टाइम मल्टीप्लाई किससे करे थे, प्लस 2 से, आंसर क्या आया, रिमाइंडर 0, मतलब फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर, यस फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलीनोमियल। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।